Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and done your work properly. Today, we take a quick revision of our first exercise of chapter Coding and Decoding. Okay, then let's start our first exercise. Interpret symbolic language used and then identify correct code for the last object. In that, what we have to do? Interpret symbolic language. Just like that example, the symbolic language is given and what we have to do? Identify correct code. We have to find out the correct code for the correct object.

Circle with pink color represents the code CM. Okay. Square with purple color represents a code FK. Square with purple color represents a chord FK. Then triangle. Triangle with pink color represents a code CT. And what we have to find? ट्राइएंगल विद ग्रीन कलर देखिए यहाँ पर हमें कलर तो है pink color की triangle का क्या क्या है? CT. But हमें क्या find out करना है? हमें करना ट्राइएंगल विद ग्रीन कलर ओके लेट स्टार्ट बच्चे इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्ट्स एंड सिमिलर कोड देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं. यहाँ इन दोनों में सिमिलर क्या है सर्कल सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें फाइंड आउट क्या करना है हमें दो चीज़ों के कोड फाइंड आउट करने हैं फर्स्टली ग्रीन कलर एंड सेकेंड इज ट्रायंगल हमने दो चीजों के कोड फाइंड आउट करने हैं ग्रीन कलर विद ट्रायंगल ओके देखिए अब हम इन दोनों के कोड को फाइंड आउट करेंगे अब इसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ से हम सिमिलर थिंग्स को कंपेयर करके इनके कोड फाइंड आउट करेंगे ओके देखिए यहाँ ग्रीन कलर है और सर्कल है इन दोनों को कंपेयर करेंगे देखिए यहाँ पर क्या है सर्कल विद ग्रीन कलर सर्कल विद पिंक कलर देन देखिए अगर हम यहाँ इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है सर्कल कॉमन है और कोड कौन सा कॉमन है एम देखिए यहाँ एम है यहाँ भी एम है यहाँ सर्कल है यहाँ भी सर्कल है इट मीन्स सर्कल का कोड क्या होगा एम होगा बच्चे देखिए जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया दोनों में सर्कल है और दोनों का जो कोड है उसके अंदर एम है तो इट मीन्स सर्कल का कोड क्या हो गया सर्कल का कोड क्या है एम ओके okay, अब देखिए यहाँ से हमें पता चल गया अगर सर्कल का कोड एम है तो ग्रीन का कोड क्या होगा ए बच्चे यहाँ पर हमें दो थिंग्स गिवन है ए एम एंड ग्रीन कलर विद सर्कल हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि सर्कल का कोड एम है इन दोनों को कंपेयर किया फर्स्टली वी वी कंपेयर दिस बोथ एंड देन फाइंड आउट कि सर्कल का कोड क्या है एम यहाँ से हमें पता चला सर्कल का कोड एम है तो ग्रीन कलर का कोड क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ग्रीन कलर का कोड क्या हो जाएगा ए तो देखिए बच्चे यहाँ पर हमने लिख रखा है ग्रीन कलर फर्स्ट तो हमें पता चल गया कि ग्रीन कलर का कोड क्या है ए अब हमें क्या आउट कर, करना है ट्राइंगल का कोड क्या फाइंड आउट करना है का कोड अब अच्छे हम वहां पर देखेंगे जहां पर हमें सिमिलर थिंग्स दिख रही हैं सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करेंगे जहां पर हमें पता चल रहा है कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं देखिए यहां पर पिंक है यहाँ पर पिंक है अब हमें ये पता है कि हमने ट्रायंगल का कोड फाइंड आउट करना है तो हम ट्रायंगल वाले को ही किसी अनदर ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे देखिए यहाँ पर पिंक है और ट्रायंगल है यहाँ पर पिंक है और सर्कल है पिंक पिंक कॉमन हो गया अगर हमें यहाँ से पिंक का कोड मिल जाएगा ऑब्वियस सी बात है कि जो नेक्स्ट लेटर है वो किसका कोड होगा ट्राइंगल का कोड होगा अब देखिए अब हम यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करेंगे बेटा ये सर्कल विद पिंक कलर एंड ट्राइंगल विद पिंक कलर कॉमन क्या है इन दोनों में बच्चे अब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों में कॉमन क्या है पिंक पिंक कलर इज सेम देन कोड क्या दोनों में सेम है बच्चे अब कोड देखेंगे कि दोनों में कोड कौन सा यूज हो रहा है सी सी इट मीन्स पिंक के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है सी यूज किया गया है क्योंकि पिंक कलर यहां भी है और यहां भी है और देन सी यहाँ भी यूज कर है और सी यहां भी कर है तो इट मीन्स पिंक कलर के लिए कौन सा यूज किया गया है कोड सी अब देखिए इट मीन अगर पिंक के लिए सी यूज किया गया है तो ट्राइंगल का कोड क्या होगा टी अगर पिंक के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया सी कोड है तो ट्राइंगल का कोड क्या होगा टी कोड होगा तो इट मीन्स ट्राइंगल का कोड क्या हो गया टी ओके इट मीन्स द कोड ऑफ ट्राइंगल इज टी अब हमने फाइंड आउट क्या करना है ग्रीन कलर विद ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्राइंगल और ग्रीन कलर देखिए हमारे पास आ गया ग्रीन कलर का कोड आ गया ए ट्राइंगल का कोड आ गया टी ग्रीन कलर का कोड क्या आया ए ट्राइंगल का कोड आया टी जब हमने इनको कंपेयर किया तब ओके okay, अब हमारा आंसर क्या होगा बच्चे हमें चाहिए था ट्राइंगल दैट रिप्रेजेंट्स ग्रीन कलर दोनों के कोड आ गए ग्रीन कलर का भी आ गया ट्राइंगल का भी आ गया दैट इज अवर आंसर दैट इज ए टी ए टी ए रिप्रेजेंट्स ग्रीन कलर एंड टी रिप्रेजेंट ट्राइंगल सो ए टी इज अवर आंसर दैट इज अवर आंसर ऑफ अवर फर्स्ट एग्जाम्पल दैट अ ट्राइंगल विद ग्रीन कलर द कोड इज ए टी जहां पर भी सिमिलर ऑब्जेक्ट है उन्ही को ही कम्पेयर करेंगे यहाँ पर सिमिलर ऑब्जेक्ट था कंपेयर किया क्या मिला हमें एम मिला सर्कल का सर्कल का एम कोड हो गया अगर यहाँ पर सर्कल का एम कोड है तो ए का कोड क्या होगा ग्रीन तो ए का कोड क्या हो गया ग्रीन ओके okay, और अगर हमने वहीं पे ही ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना है जहां हमें फाइंड आउट करना है और अनदर थिंग हम क्या देखेंगे जहां पर हमें कॉमन दिख रहा है यहाँ पर हमें ट्राइंगल का फाइंड आउट करना है ग्रीन कलर का तो हमें मिल गया अब अनदर थिंग ट्राइंगल का फाइंड करना है अब देखिए ट्राइंगल का फाइंड करना है ट्राइंगल विद पिंक कलर बट सर्कल विद पिंक कलर हमने यहाँ से कॉमन लिया पिंक कलर पिंक कलर का कोड और यहाँ पर क्या कॉमन है सी एम सी टी इट मीन्स सी सी कॉमन है तो इट मीन्स पिंक का कोड क्या हो गया सी अगर यहाँ से पिंक का कोड सी है तो इट मीन्स ट्राइंगल का कोड क्या होगा टी तो हमें यहाँ पर दोनों कोड मिल गया ग्रीन कलर का ए ट्राइंगल का टी सो अवर आंसर इज ए टी सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए यहाँ पर क्या है स्क्वेयर स्क्वेयर विद वन लाइन देखिए यहाँ पर वन लाइन है ना और यहाँ पर क्या है ट्राइंगल विद वन लाइन एंड स्क्र बच्चे स्क्वेर यहां भी है और यहां भी है बट यहाँ पर स्कोर क्या है यू विद यू शेप स्क्यान लाइन और हमें क्या फाइंड आउट करना है सर्कल विद यू क्या फाइंड आउट करना है सर्कल और यू अब इनके कोड की बनाया हमें स्क्र विद वन लाइन का कोड क्या है पी एक्स ट्राइंगल विद वन लाइन का कोड है पी वाई स्क्वेयर और यू का कोड है क्यू एक्स सर्कल विद वन लाइन का कोड है पी डब्ल्यू एंड देन वट वी हैव टू फाइंड सर्कल विद यू हमें क्या टू थिंग्स हमें फाइंड आउट करनी है सर्कल एंड नेक्स्ट इज यू शेप हमें यहाँ पर टू थिंग्स का कोड फाइंड आउट करना है सर्कल का कोड एंड यू शेप कोड ओके So देखिए हम क्या करेंगे हमारा इसमें मैथड क्या है कॉमन थिंग्स फाइंड आउट करके उनकी कोड फाइंड आउट करेंगे देखिए सबसे पहले अब हम यहाँ से कोड फाइंड आउट करेंगे हमने फाइंड आउट करना है सर्कल का कोड अगर हमें सर्कल यहाँ पर गिवन है अगर हमें यहाँ से वन लाइन का कोड पता चल जाए कि वन लाइन का कोड क्या है तो इट मीन्स जो नेक्स्ट होगा वो सर्कल का होगा कोड तो देखिए इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें यहाँ भी वन लाइन है यहाँ भी वन लाइन है अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे स्क्वेयर विद वन लाइन ट्रायंगल विद वन लाइन वन वन लाइन तो दोनों में है लाइन तो दोनों में है और लाइन का कोड क्या हो गया पी जो कोड है उन दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पर है पी एक्स यहाँ है पी इट मींस पी कॉमन है और यहाँ पर क्या कॉमन है फिगर में ये लाइन कॉमन है तो लाइन का कोड क्या हो गया पी लाइन का कोड क्या हो गया पी अब देखिए यहाँ पर हमें लाइन का कोड पता चल गया पी है एक का का कोड कोड पता पता चल चल गया गया लाइन है और नेक्स्ट यहाँ पर फिगर क्या है सर्कल इट मीन सर्कल का कोड क्या होगा डब्ल्यू सर्कल का कोड क्या होगा W बिकॉज हमें यहाँ पर लाइन का कोड पता चल गया है पी है और नेक्स्ट क्या है सर्कल तो सर्कल का कोड क्या होगा W सर्कल का कोड क्या होगा W. Okay? अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है U शेप U शेप देखिए यहाँ पर है U शेप यहाँ पर है और क्या है स्क्वेयर और यहाँ पर क्या है यहाँ भी स्क्वेयर है अगर हम अब अब क्या करेंगे इन दोनों को कंपेयर करेंगे यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिल सकता है स्क्वेयर स्क्वेयर कॉमन मिल सकता है हमें यहाँ भी स्क्वेयर है यहाँ भी स्क्वेयर है अगर हमें यहाँ से पता चल जाए कि एक कोड स्क्वेयर का है इट मीन्स जो नेक्स्ट है वो किसका होगा U का कोड होगा अब देखिए यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था अभी कि जो ये लाइन का कोड है वो क्या है P है यहाँ पर अभी हमने फाइंड आउट किया ना कि लाइन का कोड P है इट मीन्स अगर P लाइन का कोड हो गया और यहाँ पर क्या है X गिवन है ना बच्चे यहाँ पर क्या गिवन है हमें X और इट मीन्स X का कोड स्क्वेयर का कोड क्या हो गया X स्क्वेयर का कोड क्या हो गया X ओके okay, हमें पता चल गया यहाँ से पी का हमने कोड पहले इन दोनों को कंपेयर करके फाइंड आउट किया था कि पी का कोड क्या आया ये लाइन और अब हमने इनको और इसको कंपेयर किया और यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया स्क्र का कोड इस यू शेप को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने स्क्वेयर का कोड फाइंड आउट किया और स्क्वेयर का कोड हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ पर भी एक्स कॉमन है और यहाँ भी एक्स कॉमन है तो इट मीन्स स्क्वेयर का कोड क्या हो गया एक्स अब बच्चे यहाँ पर देखिए अब हमें पता चल गया कि यहाँ से का कोड क्या है एक्स है और क्या रह गया q इट मीन ये यू का कोड क्या होगा क्यो? यू का कोड क्या होगा क्यों तो यू शेप का कोड क्या हो गया क्यों ओके देखिए डायरेक्ट हमने यहां से फाइंड आउट किया हम अपनी सिमिलर थिंग्स को फाइंड आउट करेंगे जो भी सिमिलर होगा फर्स्ट उसको फाइंड आउट करेंगे और जो हमें हमें चाहिए चाहिए हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे ओके okay, अब देखिए पर चाहिए था सर्कल और यू शेप हमें सर्कल और यू शेप फाइंड आउट करना था ना सबसे पहले हमने देखा कि हम कहाँ से सर्कल और यू शेप फाइंड आउट कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों को कंपेयर किया इन दोनों में लाइन कॉमन है लाइन कॉमन है इट मीन लाइन का कोड कोड पर में भी पी पी कॉमन है, लाइन का कोड हो गया P, अगर लाइन का का कोड कोड है, तो का क्या होगा तो यू का कोड क्या होगा Q. तो यू शेप तो का कोड तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया Q. अब देखिए यहाँ से भी हमने लाइन हमने एक थिंग सिर्फ एक लाइन का कोड निकाला और उससे हमारे सभी कोड फाइंड आउट हो गए देखिए लाइन का कोड हमें फर्स्ट फाइंड आउट कर लिया था कि पी है लाइन का कोड पी है इट मीन सर्कल का क्या हो जाएगा डब्ल्यू तो सर्कल का कोड क्या हो गया डब्ल्यू सो अवर आंसर इज क्यू डब्ल्यू सो आवर आंसर इज क्यू डब्ल्यू दैट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल शेप ओके सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए पर कलर इज डिफाइंड टू एवरी स्माइली स्माइली विद हैप्पी फेस येलो कलर बच्चे इसके अंदर एक थिंग और भी है देखिए यहाँ पर क्या है ईयर है कौन सी साइड पे है बच्चे हम इसको अपनी पोजीशन में लेकर देखेंगे अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये ईयर कौन सी साइड पे आ रहा है राइट साइड पे आ रहा है बट हमें इसे अपनी पोजीशन में देखना है देखिए अब मैं इस जस्ट एज अ फेस यहाँ पर हूं तो ये ईयर कौन सी साइड पे है जो फर्स्ट है ये ईयर कौन सी साइड पे है लेफ्ट साइड पे है तो देखिए लेफ्ट साइड ईयर विद येलो एंड हैप्पी फेस उसका कोड क्या है पी एल माइनस वन ये कौन सी साइड पे है राइट right साइड पे ईयर हैप्पी फेस बट पिंक कलर देर कोड इज डी एल माइनस टू यहां पर क्या है ब्लू कलर विद नो ईयर एंड कोड इज क्यूएल माइनस जीरो ब्लू कलर सैड फेस विद राइट ईयर द कोड इज क्यूएस माइनस टू वट वी हैव टू फाइंड आउट दलो येलो फेस विथ सैड एंड ईयर इज लेफ्ट ओके अब हमने क्या फाइंड आउट करना है फर्स्टली येलो कलर देन सैड फेस एंड नेक्स्ट इज लेफ्ट ईयर बच्चे हमें इसको find out करने के लिए ये तीन कोड फाइंड आउट करने होंगे ओके okay? देखिए सबसे पहले हम हम ईयर पे जाएंगे यहाँ पर देखिए, ये कौन से साइड पे ईयर है अभी मैंने आपको बताया अपनी पोजीशन में देखेंगे लेफ्ट साइड पे ईयर है जहां पर भी लेफ्ट साइड पे ईयर है वहाँ क्या कर रखा है माइनस वन यहाँ पर राइट right साइड में है तो क्या कर रखा है माइनस टू यहाँ पर कोई भी इयर नहीं है तो माइनस जीरो देखिए राइट साइड में था तो माइनस टू कर रखा है यहाँ भी राइट साइड में है तो क्या कर रखा है माइनस टू इट मीन्स जो भी राइट साइड पे ईयर है राइट ईयर का कोड क्या कर रखा है माइनस टू क्या कोड है माइनस टू यहाँ पर भी माइनस टू कर रखा है यहाँ पर भी माइनस टू कर रखा है और जो लेफ्ट साइड पे है उसका कोड क्या है माइनस वन और जहाँ पर नो no ईयर है उसका कोड क्या है माइनस जीरो तो जो हमें हमने किस चीज का फाइंड आउट करना है लेफ्ट ईयर का तो लेफ्ट ईयर का कोड क्या होगा माइनस वन हमने फर्स्ट कोड अपना फाइंड आउट कर लिया कि लेफ्ट ईयर का कोड क्या होगा माइनस वन ओके अब हम कंपेयर करके येलो का फाइंड आउट करेंगे देखिए यहां पर भी येलो है और यहां भी येलो है येलो है ना बच्चे देखिए येलो कलर यहां भी है और यहां पर है लेकिन हमें कंपेयर करना है ये तो हमने फाइंड आउट करना है तो कंपेयर करने के लिए हमें किसको कंपेयर करेंगे देखिए जहां पर भी हमें सिमिलर ऑब्जेक्ट मिलेगा सिमिलर ऑब्जेक्ट के साथ हम इसे कंपेयर करेंगे देखिए ये है स्माइली विदी विद द लेफ्ट ईयर स्माइली विद दी लेफ्ट ईयर अब हम कंपेयर करते हैं इस ये भी हैप्पी फेस है ये भी हैप्पी फेस है तो देखिए माइनस वन और माइनस टू तो ईयर का हो गया ये तो हमने अलग से फाइंड आउट कर लिया इट मीन्स जो एल का कोड है और एल एल और एल यहाँ पर सेम है और यहाँ पर सेम फिगर में सेम क्या हैप्पी फेस जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया सबसे पहले हमने फिगर को कंपेयर किया फिगर में कंपेयर क्या है हैप्पी फेस फिगर में कंपेयर क्या है हैप्पी फेस और कोड में कंपेयर क्या है एल एल तो इट मींस हैप्पी फेस का जो कोड क्या हो गया एल अगर बच्चे यहाँ देखो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया लेफ्ट का कोड माइनस वन है और हमने एल का फाइंड आउट कर लिया हैप्पी फेस है तो क्या रह गया यहाँ पर पी और यहाँ क्या रह गया येलो तो इट मीन्स येलो का कोड क्या होगा पी येलो का कोड क्या होगा पी तो हम यहां लिख देंगे येलो का कोड क्या है पी है ओके देखिए सब हमने क्या क्या फाइंड आउट करने है? बच्चे हमने कॉमन थिंग देखी यहाँ पर भी है, यहां भी स्माइली 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 है स्माईली स्माईली है है हैप्पी फेस है स्माइली तो है बट हैप्पी फेस हैप्पी फेस हैप्पी फेस और यहाँ पर कोड में क्या कॉमन है एल एल तो हमने हैप्पी फेस का कोड क्या डिफाइंड किया एल और यहाँ पर देखिए माइनस वन तो हो गया ईयर का एलो हो गया हैप्पी फेस का एक थिंग रह गई येलो और यहां पर कोड भी एक रह गया पी तो इट मीन्स येलो का कोड क्या होगा पी हो गया येलो का कोड पी डिफाइंड अब हमें फेस करना है सैड फेस का इसका डिफाइंड करना है सैड फेस का अब देखिए यहां पर है सैड फेस अब यहां से फाइंड आउट करेंगे हम सैड फेस का कोड माइनस टू तो बच्चे हो गया ईयर का कोड माइनस टू किसका हो गया ईयर का कोड अब हमें डिफाइंड करना है जहां पर क्या होगा राइट ईयर राइट ईयर का कोड हो गया माइनस टू अब हम ब्लू ब्लू देखिए इन यहाँ पर दो चीज कॉमन है यहाँ भी ब्लू कलर है यहाँ भी ब्लू कलर है तो अब हम क्या ब्लू कलर का कोड फाइंड आउट करेंगे किसका कोड फाइंड आउट करेंगे ब्लू कलर का ओके okay? देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है क्यों और यहाँ भी कॉमन क्या है क्यू और ये इन फिगर्स में क्या कॉमन है ब्लू कलर इट मींस ब्लू कलर का कोड क्या है ब्लू कलर का कोड क्या होगा क्यू ब्लू कलर का कोड क्या होगा क्यू अब देखिए यहाँ से हमें पता चल गया कि माइनस टू ईयर का कोड है क्यू कोड किसका है ब्लू कलर का तो रह क्या गया हमारे पास एस रह गया ओनली तो इट मींस एस का कोड क्या है सैड फेस एस का कोड क्या है Sad face. हमें यहाँ पे थ्री थिंग्स ही गिवन माइनस टू तो हमने पहले ही डिफाइंड कर लिया कि वो राइट ईयर का है और उसके बाद हमने यहाँ से फाइंड आउट किया कॉमन क्या है ब्लू कलर ब्लू कलर तो ब्लू कलर और यहाँ कोड में क्या कॉमन है क्यू एंड क्यू तो हमने क्या करा क्यू और क्यू क्या देखा ब्लू कलर कॉमन है तो ब्लू कलर का कोड क्या हो गया बच्चे हमारे पास क्यू ओके और यहाँ पर रह क्या गया एस और क्या रह गया सैड फेस तो इट मीन्स सैड फेस का कोड क्या हो गया एस तो so, यहाँ पर सैड फेस का कोड क्या हो गया एस अब हमें इसे अपनी जैसे कि ये सभी यहाँ पर लिखे हैं उस अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को डिफाइंड करेंगे सोवर आंसर इज पी एस माइनस वन पी एस माइनस वन जैसे कि यहाँ पर दे रखा है लास्ट में सभी के ईयर का माइनस कर रखा है ना तो हम भी लास्ट में ईयर का माइनस करेंगे सबसे पहले कलर का दे रखा है ब्लू कलर है कलर ब्लू कलर का क्यों हुआ है तो यहाँ कलर का दे रखा है तो सबसे पहले हम कलर का ही लिखेंगे हम एस पी माइनस वन या माइनस वन पी एस नहीं लिख सकते ये सब रोंग होंगे अकॉर्डिंग टू दिस जैसे हमें यहाँ दे रखे डिफाइंड वैसे ही करेंगे सबसे पहले किसका दे रखा है ब्लू कलर का दे रखा है क्यों तो हम भी सबसे पहले कलर का लिखेंगे फिर एस किसका दे रखा है सैड फेस का तो हम भी सैड फेस का ही लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर जिस तरीके से फाइंड आउट करना है कलर येलो कलर सैड फेस एंड अवर लेफ्ट ईयर सो अवर आंसर इज पी एस माइनस वन इज अवर आंसर सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए बच्चे यहाँ पर हमें एरोज गिवन है और एरोज के अकॉर्डिंग उन्हें एक कलर डिफाइंड किया गया है देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट एरो है इसमें क्या है ब्राउन कलर और यहाँ पर देखिए शेप भी इंटरचेंज है ओके अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड कलर एक कोड क्या होगा शेप का और अनदर कोड किसका होगा उसके कलर का जो यहाँ पर शेप है और ब्राउन कलर है ई वाई कोड द अनदर शेप एंड ग्रीन कलर द कोड इज ई आर द फोर्थ शेप विद द येलो कलर एंड कोड इज ई के The fourth is what we have to find that shape with the green color. Okay, bache just like that our first and second question, we have to compares the arrows and with the colors. Okay, dekhiye agar hum in two compare karenge in two arrows को compare करेंगे बच्चे, तो देखिए हमें क्या result find out होगा? यहाँ पर भी brown है, यहाँ भी brown है। It means यहाँ पर हमें brown का code मिल सकता है। ब्राउन का कोड मिल सकता है ना और इन दोनों कोड में क्या कॉमन है वाई एंड वाई तो और कलर क्या था ब्राउन कॉमन था इन दोनों को कंपेयर करने में और कोड में क्या कॉमन है वाई तो इट मींस ब्राउन का कोड क्या होगा वाई ओके अगर बच्चे ब्राउन का कोड वाई है तो ये जो एरो बनी है जो ये हमारे पास इसका कोड क्या होगा डी कोड होगा ओके okay, अब यहाँ पर देखिए जो इस टाइप की एरो है जहां है है फर्स्ट ऊपर भी भी ट्रायंगल ट्रायंगल और लोअर पार्ट में भी है, उसका कोड क्या हो जाएगा ई e. उसका कोड क्या हो जाएगा ई e. बिकॉज वाई किसका कोड है ब्राउन कलर का यहाँ भी वाई किसका कोड है ब्राउन कलर का तो इट मीन ब्राउन कलर का कोड तो हो गया वाई और जो जस्ट ये वाली शेप है उसका कोड होगा डी और जो ये वाली शेप है जिसमें अपर पार्ट में भी ट्रायंगल है और लोअर पार्ट में भी ट्रायंगल है उसका कोड क्या होगा ई e. ठीक है बट हमने यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है ग्रीन कलर हमने फाइंड आउट करना है ग्रीन कलर कलर का कोड और जो ये वाली शेप है बच्चे अब हमने कौन सी शेप का फाइंड आउट करना है इस शेप का ओके okay? देखिए हमने इस शेप का फाइंड आउट करना है और ग्रीन कलर दो हमने कोड फाइंड आउट करने हैं अब देखिए अब हम किसको कंपेयर करें कि हमें ये कोड मिल जाए देखिए यहां पर फिगर सेम है ना बच्चे यहां पर भी जो यहाँ पर एरो है विद ऊपर पार्ट में भी ट्राई एंगल एंड लोअर पार्ट में भी ट्राई अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे अब किन दोनों को कंपेयर करेंगे सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे जहाँ से हमें किसका सिंबल मिलेगा जो ये एरो है देखिए और कोड में क्या कॉमन है ई वाई ई वाई इट मीन्स ई कॉमन है तो जो हमारे पास इस वाले लाइन का कोड होगा इस एरो का कोड होगा बच्चे वो क्या होगा ई e. इसका कोड क्या होगा बच्चे ई e. कैसे पता चला हमें इन दोनों को कंपेयर किया ये दोनों सेम है और कोड में क्या को? सेम मिला हमें ई e, तो इसका कोड क्या हो गया ई e. अगर बच्चे यहाँ पर इस कोड में इस एरो का कोड ई e है तो इट मीन्स ग्रीन कलर का कोड क्या होगा आर होगा अगर एरो का कोड हमने फाइंड आउट कर लिया अगर एरो का कोड ई e है इस टाइप की एरो का कोड ई e है तो जो ये आर है आर का कोड क्या होगा ग्रीन तो हमें एक कोड तो हमें मिल गया कि ग्रीन कलर का कोड क्या होगा आर जस्ट वी कंपेयर दीज टू ओके अब हमने फाइंड आउट करना है ये वाली एरो जहाँ लोअर पार्ट में ट्राइंगल हो और अपर पार्ट में जस्ट लाइक दैट पोर्शन हो अब अच्छा यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसमें लोअर पार्ट में ट्राइंगल और अपर पार्ट में ये हो जब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है सिर्फ उसके अंदर एक ऐसे है कि ये दोनों पोर्शन तो हैं बट लेफ्ट और जो अपर पार्ट में है और राइट पार्ट में है इंटरचेंज है लेकिन फिगर तो यही है ना बेटा बट यहाँ पर क्या है इंटरचेंज में है अपर पार्ट में यहाँ पर ट्राइंगल है और यहाँ क्या यहाँ लोअर पार्ट में डेट पार्ट है और यहाँ अपर पार्ट में दिस पोर्शन है ठीक है।, है।, तो है।, है।, है लेकिन बच्चे इसमें हम जो हम लेंगे क्योंकि अदर टू पार्ट्स में कहीं पर भी ये वाली फिगर हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी हमारी यही फिगर है इसी को हम अपना कोड लेंगे और इस फिगर का कोड क्या था डी इसको फाइंड किया था ना कि ब्राउन का कोड क्या था वाई तो इट मीन इस एरो का कोड क्या होगा डी तो इस एरो का कोड भी क्या होगा डी बच्चे हमने यहां पर डी क्यों लिया बच्चे फिगर तो सेम नहीं है लेकिन जो यहाँ पर एरोज बनाई गई है जस्ट लाइक दैट अब देखो हम इनको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ अपर पार्ट में भी ट्राइंगल है लोअर पार्ट में भी ट्राइ एंगल है इसी को क्यों लिया हमने क्योंकि यहाँ पर वन पार्ट में तो ट्राइ एंगल है और अनदर पार्ट में ये सेम पोर्शन है जो हमने फाइंड आउट करना है हमने फाइंड आउट करना है ट्राइंगल एंड दैट पोर्शन ओके और वो इसी पार्ट में है अब हम यहां पर ये लग रहा होगा आप सभी को कि यहां पर तो अपर पार्ट में है और यहां लोअर पार्ट में है बच्चे इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये फिगर तो सेम है किस तरह से सेम है बट लोअर और अपर पार्ट का चेंज है बट कोड इसका यही ही रहेगा डी जो इसका कोड है डी ओके देखिए जो दूसरी फिगर्स है वो तो पूरी ही चेंज है अपर और लोअर पार्ट में दोनों ट्रायंगल है बस एक ये फिगर है जो मैच हो रही है बट डिफरेंस क्या है कि ये अपर पार्ट में है और ये लोअर पार्ट में है ओके अब देखिए तो हमारा ग्रीन कलर का कोड आया r और फिगर का कोड आया d तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा dr क्योंकि हमने पहले किसका कोड लिखना है इस एरो का उसके बाद किसका लिखना है कलर का इसके अंदर भी ऐसी करक है पहले एरो का कोड और कलर ब्राउन का क्या है वाई कोड फिर वाई इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे पहले एरो का कोड एरो का को कोड है डी और ग्रीन कलर का कोड है आर सो आंसर इज डी आर आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट वन थैंक यू हैव अ नाइस डे